ये रहा देख लो इसकी ब्यूटी। गुड मॉर्निंग टू ऑल, वेलकम बैक टू माय ब्लॉग्स, दैट इज इंजीनियरिंग इन द ब्लॉग्स उत्तराखंड में, यानी कि हम लोग ऋषिकेश में जहाँ पे स्टे किए थे वो मैं रूम थोड़ा दिखा देता हूँ कितना कॉस्ट एफिशिएंट है कि नहीं है। अगर स्टूडेंट्स आएंगे तो उनको ज्यादा रहने में दिक्कत तो नहीं होगी, तो मैं रूम आपको दिखाता हूँ। और यहाँ से लक्ष्मण झूला की जो लोकेशन मैं दिखाऊंगा मजा आ जाएगा। मैंने अभी देखा उठ के तो काफी बढ़िया लग रहा था, है ना, काफी बढ़िया लग रहा था। तो मैं पहले रूम के बारे में बता दूं कि जैसे रूम मुझे 400 की मिली थी, है ना, आज 11 बजे चेकआउट कर रहे हैं दिन को, ठीक है। और इस रूम में है, डबल बेड है, दो आदमी हम लोग थे, मैं था और सूरज जी थे, है ना, और रूम काफी सही है। तो ये रूम कुछ ऐसा था, ये डबल बेड थी, उसके द्वारा भी कंबल दिया गया था, लेकिन हालांकि हम लोग अपना लेते आए थे ओढ़ने वाले तो ज्यादा परेशानी हुई नहीं। तो ये कुछ ऐसा है रूम। और बाहर का जो मैं आपको दिखाना चाहूंगा, ये चार्जिंग पॉइंट भी है, एक यहाँ है एक वहाँ भी है। और बाहर का जो मैं आपको दिखाना चाहूँगा, ये कुछ पूरा मंदिर ही है, इसमें बहुत कम लोग रहते हैं। और एक आध रूम इसमें निकाला गया, ये मंदिर है पूरा, जिसमें अभी सुबह से 6 बजे से हवन हो रहा था, यहाँ पे इस जगह पे हवन हो रहा था, काफ़ी सही था। एक तो ये पूरा मंदिर ही है, इस जगह पे हम लोग रात को ठहरे थे। और बंदर की तो क्या बात ही करें, बहुत ही ज़्यादा बंदर है यहाँ पे। सराउंडिंग्स कुछ ऐसा है। अब मैं जाऊंगा बाहर से आपको दिखाऊंगा लक्ष्मण झूला, है ना। फिर अभी हम लोग रिवर राफ्टिंग के लिए चलेंगे, रिवर राफ्टिंग के बाद हम लोग फिर राम झूला चलेंगे। यहीं पे हवन हो रहा था, ये देख सकते हो। काफी सुंदर यार हवाएं जो चल रही थी रात को, मैं बता नहीं सकता आपको, बाप रे बाप। ये रहा अपना लक्ष्मण झूला, ये देखो आप, मतलब ब्यूटी देखो इसकी नेचर की यार। मतलब अभी जाऊंगा उधर लक्ष्मण झूला तो मैं दिखाऊंगा, कल शाम को मैं सही से ब्लॉगिंग नहीं कर पा रहा था, है ना, काफ़ी थक भी चुका था, मोबाइल भी डिस्चार्ज मेरी हो गई थी, काफ़ी थक चुका था मैं कल रात को। ये देखो ये ब्यूटी देखो, लक्ष्मण झूला की ब्यूटी, वाह वंडरफुल। और बहुत सारे लोग आते हैं देखने के लिए, बहुत सारे अब्रॉड से भी लोग आते हैं, और इंडिया के लोग तो आते ही आते हैं। अभी रिवर राफ्टिंग होना बाकी है, रिवर राफ्टिंग में ज़्यादा मज़ा आएगा, क्योंकि कल जैसे मैंने आपको बताया था रिवर राफ्टिंग एक लोग के 9 किलोमीटर के 300 रुपये लेते हैं, और 12 किलोमीटर के 350 रुपये लेते हैं। ये देखो इसकी खूबसूरती, ये शुरू होती है और अंदर की ओर हम जा रहे हैं, लक्ष्मण झूला पे ही जा रहे हैं। इसकी ब्यूटी देखो, और गंगा जी को भी देखना आप लोग। ये रहा देख लो इसकी ब्यूटी, मतलब शब्दों से बयान नहीं हो सकता। रात को जब मैं इधर से जा रहा था, वाह इसकी हवा लग रही थी और इतनी ठंडी हवा चल रही थी, ये देखो अभी भी बहुत तेज हवा चल रही है। अभी तो फिलहाल धूप उगी है तो सही लग रहा है, लेकिन रात को तो इतनी बाप रे बाप खतरनाक तरीके से हम लोग की तो फिर लग रही थी फट रही है। और ये देख सकते हो आप, ये देखो यहाँ पे हर वक्त भीड़ रहता है और लोग आते जाते रहते हैं, सब लोग आते हैं। अब वाजिब सी बात है कि आएंगे लक्ष्मण झूला पे तो फोटो खिंचाएंगे, वीडियो रिकॉर्ड करेंगे, तो सब वीडियो बनाते हैं। बहुत सारे ब्लॉगर भी आते हैं, व्लॉग करते हैं, और तो फिर मैं भी जैसे ब्लॉगिंग कर रहा हूँ तो इस साइड। अभी जो मैंने रात को पूछा था रिवर राफ्टिंग के लिए, तो वो लोग कहीं एक 9 किलोमीटर दूर लेके जाएंगे और जो उनका एंड पॉइंट होगा इसी जगह पे होगा, लक्ष्मण झूला के पास ही होगा। तो वो एक आ रहा है रिवर राफ्टिंग के लिए करते हुए आ रहे हैं, आप देखा होगा आप लोग को भी, अरे हवा इतनी तेज चल रही है ना।
Stop! Oh, oh!